दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि मोदी रोजगार दो मोदी जॉब दो के लेकर कहने का मेन पॉइंट है दोस्तों कि हमारे जितने भी एसएससी जीडी के छात्र छात्राएं हैं दोस्तों, क्या है उनका फिजिकल फिट है, मेडिकल फिट है, यहां तक कि उनका रीजनिंग फिट है, यहां तक तक कि दोस्तों उनको 5 किलोमीटर की दौड़ जो लगाने में कुछ समय नहीं लगता है। ठीक वहीं पे यदि आपको और हमको बोला जाए या मोदी जी को बोला जाए दोस्तों कि क्या उस उतने ही समय में हम और आप 5 किलोमीटर की दूरी तय कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे दोस्तों, खून फेंक कर मर जाएंगे। लेकिन उनके अंदर जितने भी हमारे स्टूडेंट भाई बंधु हैं, चाहे वो डिजिटल स्ट्राइक पर हैं या ऑफलाइन प्रोटेस्ट पर हैं, हमारे जितने भी 3 करोड़ जो युवाएं हैं दोस्तों जो प्रोटेस्ट पर बैठी हुई हैं, कहने का मतलब उनके अंदर जुनून होता है दोस्तों। किसका जुनून होता है? उनको जॉब पाने का जुनून होता है दोस्तों। जॉब पाने का मतलब होता है कि हमारे देश जो हमारे शरीर पर वर्दी होगी, हम डॉक्टर बनेंगे, ये बनेंगे, नाना प्रकार की मतलब उनको जॉब करने की इच्छा होती है दोस्तों। और ठीक वहीं पे हमारे देश की जो राजा मोदी जी हैं, इनकी बातों को अनदेखा कर रहे हैं दोस्तों। कहने का मेन पॉइंट है कि आखिर हमारे बच्चे लोग क्यों इस टाइप पर हैं? वो भीख नहीं मांग रहे हैं मोदी जी आपसे, ये नहीं बोल रहे हैं कि हमको आप अपना सैलरी का पैसा दे दीजिए। ये लोग क्या है, जितनी डिग्री किए हैं दोस्तों, वो डिग्री के मुताबिक क्या है, जॉब मांग रहे हैं, जॉब मांग रहे, भीख नहीं मांग रहे हैं। क्योंकि आप लोग देखे होंगे दोस्तों कि हमारे जब तक से आए हैं, एग्जाम कब होता है और रिजल्ट कब आता है, कहने का मतलब कि वो लोग भी जितने भी हमारे स्टूडेंट भाई जो टेस्ट पर हैं, कहने का मतलब आज 8-10 साल से तैयारी किए हुए हैं, वो लोग भी तैयारी करके बैठे हुए हैं और उनको जॉब न दिया जाए तो कैसा लगेगा बताइए मोदी जी। आप भी इनकी बातों को सुनिए, आप अपनी मन की बात मत सुनिए, क्योंकि मन की बात बहुत कह ली, अब हमारे जितने स्टूडेंट भाई बंधु हैं इनकी रोजगार की बात कीजिए। क्योंकि दोस्तों आप लोग देखे होंगे, 2-3 दिन पहले आप लोग देखे होंगे कि ये बंगाल में रैली करा रहे हैं और रैली में बहुत सारे हस्ती गए हैं, जैसे मिथुन चक्रवर्ती जी भी हैं, सौरभ गांगुली जी भी साथ में ही हैं। लेकिन कहने का मेन पॉइंट है कि दोस्तों कि क्या वो लोग भी इनकी बातों को अनदेखा कर रहे हैं? क्या उनके पास मोबाइल नहीं है? वो लोग वीडियो वायरल को नहीं देखते हैं यूट्यूब पर कि हमारे जितने स्टूडेंट भाई बंधु हैं, चाहे वो कलकत्ता हो, दिल्ली हो, लुधियाना हो या लखनऊ हो या कटक भुवनेश्वर, बहुत सारे जगहों पर प्रोटेस्ट कर रखा है, इनको क्या है दोस्तों, पुलिस द्वारा दोस्तों बहुत मार मरवाया जा रहा है, बहुत लोगों को जेल में भेज दिया गया है। क्या इनकी बातों को अनदेखा किया जा रहा है? ये बेचारे कुछ नहीं मांग रहे हैं, ये जितने भी हैं कुछ नहीं मांग रहे हैं, ये जितने भी हमारे सरकारी खजाना है ये लोग नहीं मांग रहे हैं, ये लोग सिर्फ अपनी जॉब की बात कर रहे हैं, इनकी बातों को अनदेखा न की जाए। क्योंकि दोस्तों सरकार, आप लोग देखे होंगे 2015 में मोदी जी जब हमारे देश के पीएम बने थे, उस समय इन्होंने बहुत लिटरेचर दे रखा था, बहुत भाषण दे रखा था कि भाइयों बंधुओं, मैं सरकार में आ चुका हूं, बेरोजगारों को रोजगार दूंगा, 35 रुपया लीटर पेट्रोल डीजल दूंगा, इन्होंने बहुत सारे वादा कर रखा है। लेकिन कहने का मतलब है कि आप लोग देखे होंगे कि अभी बंगाल में भी ये बोल रहे हैं कि मैं 50 लाख जॉब दूंगा, 75 लाख जॉब दूंगा, लेकिन अब देख लीजिएगा ये सिर्फ जुमलाबाजी करते हैं। क्योंकि दोस्तों ये वादा करते हैं, लेकिन वादा ये तो बोल रखे हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन सबका साथ लेते हैं जब विकास की बारी आती है दोस्तों, जैसे चूहा अपने बिल में घुस जाता है, ठीक वैसे ये अपने कुर्सी पर विराजमान हो जाते हैं और बोलते रहते हैं भाइयों बंधुओं मैं सबका साथ सबका विकास। अरे यार, सबका साथ सबका विकास कहने से नहीं होगा, आप सुन लीजिए मोदी जी कि 130 करोड़ जनता जो आपके आस में 2015 में लगी हुई थी कि हमारे देश के अच्छे जो आएगा राजा हमारे देश का विकास करेगा, हमारे देश का डेवलपमेंट होगा, और आज क्या है दोस्तों, बाहरे सिर्फ आप लिटरेचर देने। आप लोग कुछ एक वीडियो वायरल हो रही है देखे होंगे दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो के बारे में भी बता दूं, बहुत सारे मीडिया लोग हैं दोस्तों हमारे स्टूडेंट भाई बंधु के ऊपर कमेंट कर रहे हैं, कमेंट ये कर रहे हैं कि वो लोग बोल रहे हैं कि आप लोग जितने भी प्रोटेस्ट पर बैठे हुए हैं, आप लोग ऑफलाइन मतलब कि जॉब क्यों नहीं खोज लेते, यानी कि प्राइवेट जॉब है दोस्तों क्यों नहीं खोज लेते। कहने का मेन पॉइंट है, देखिए दोस्तों कहा गया है, देखिए अच्छे वक्त पर सब साथ देता है लेकिन बुरे वक्त पर अपना जो नस है दोस्तों वो भी साथ छोड़ देती है। वाह रे मीडिया वाले, हमारे स्टूडेंट भाई बंधु को ऊपर इतनी कॉमेंट गंदी की जा रही है, ये बिल्कुल आपको नहीं लग रहे हैं कि बेचारे पढ़े लिखे हैं और इनको ऊपर आप गंदी कॉमेंट कर रहे हैं? अरे कॉमेंट उनके ऊपर कीजिए दोस्त
मीडिया वाले जो एसएससी के जो पदाधिकारी हैं या चेयरमैन, उनको आप बोलिए ना प्राइवेट जॉब ढूंढने के लिए, प्राइवेट जॉब करेंगे क्या? और हमारे जितने भी भाई बंधु स्टूडेंट ये लोग डिग्री पार कर नाना प्रकार की जॉब की, मैंने पहले बोल रखा है दोस्तों कि इनका फिजिकल फिट है, इनका मेडिकल फिट है, रीजनिंग फिट है, दोस्तों, फिर भी इनको अनदेखा किया जा रहा है। वाह रे मोदी जी, हमारे देश के राजा, बाहर मीडिया लोग, पहले आप लोग बोलते हैं और सुन लीजिएगा दोस्तों, जितने भी हमारे स्टूडेंट छात्र छात्राएं हैं आप लोग भी सुन लीजिएगा कि आप लोग इनके चैनल को बहुत पहले सब्सक्राइब करके रखते हैं, लाइक करके रखते हैं, दबा कर रखते हैं इनके वीडियो को कि नहीं हम देखेंगे। आज यही मीडिया लोग आपके बुरे वक्त पर साथ छोड़ रहे हैं। अरे मीडिया वाले जितने भी आप हैं, किसी का मैं नाम रखे तो बदनाम नहीं करना चाहता, चूंकि बदनाम करने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन कहने का मेन पॉइंट है कि आप लोग आवाज़ उठाइए, मोदी सरकार के पास इनकी आवाज़ों को ले जाइए ताकि वो लोग भी सुने, इनकी आवाज़ को सुने कि नहीं मोदी रोजगार दो, मोदी जॉब दो। ये भीख नहीं मांग रहे हैं, ये हमारे जितने स्टूडेंट भाई बंधु बच्चे हैं, ये सिर्फ क्या मांग रहे हैं, अपने रोजगार मांग रहे हैं। ये अपनी जो जो भारत की खजाना है ये लोग नहीं मांग रहे हैं कि हमको भारत की खजाना में से पैसा दो। ये लोग सिर्फ क्या मांग रहे हैं, हमको जॉब दीजिए, हमको रोजगार दीजिए मोदी जी। और आपने कह रखा है, आप सत्ता में आए तो ने कहा कि हम तो हर साल 2 करोड़ जॉब देंगे, आपने 2 करोड़ जॉब देने की वादा की है और आज 7 साल आपका पूरा होने वाला है, 14 करोड़ जॉब आप कहाँ खा गए मोदी जी, अब कहाँ खा गए? आपने तो बहुत सारा वादा करते हैं भाइयों बंधुओं, मैं ये करूँगा वो करूँगा, सत्ता में आने से 35 रुपये लीटर पेट्रोल दूंगा, बेरोजगारों को रोजगार दूंगा, क्योंकि वो लोग अपने सांझ को अपने माता पिता के साथ जो भी सूखा रोटी है खा सकेंगे। और आज आपकी जो बारी आई इन बच्चों की आवाज़ सुनने के लिए, कितने दिखिए ये बेचारे लोग क्या है, ये बेचारे लोग के दिल से आ निकलती है, इनके दुख दर्द है दोस्तों, अंदर दुख दर्द, क्यों नहीं दुख दर्द होगा दोस्तों, ये लोग बूढ़े बाप का जो पैसा है कैसे कैसे बिटोर के ये लोग अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, क्यों पढ़ाते हैं कि एक दिन बच्चा जो है हमारा जो सहारा होगा, हमारा लाठी होगा, हमको दो वक्त की रोटी देगा। और आज इनकी बातों को अनदेखा किया जा रहा है, मीडिया वाले भी इनके ऊपर कमेंट करें कि आप लोग प्राइवेट जॉब क्यों नहीं खोज लेते। प्राइवेट जॉब दोस्तों, प्राइवेट जॉब में क्या है, प्राइवेट जॉब में आप लोग देखे होंगे दोस्तों कि बहुत सारे लोग हमारे बिहार के, मैं बिहार के ऊपर ही मैं कमेंट करता हूं कि बहुत सारे हमारे बिहार के भाई बंधु क्या है, बॉम्बे गए थे, दिल्ली गए थे, कलकत्ता गए थे, गुजरात गए थे जॉब करने के लिए प्राइवेट जॉब। और आप लोग देखे होंगे कोरोना काल की स्थिति में दोस्तों ये लोग क्या है, नौकरी न करके जब कोरोना काल की स्थिति में ये लोग पैदल आए हैं, कोई लोग गुजरात से पैदल आया है बिहार, कोई बॉम्बे से चल के पैदल बिहार आया है, कोई दिल्ली से चल के बिहार पैदल आया है। ठीक, यदि वहीं पर यदि सरकारी जॉब होती है दोस्तों तो हम लोग को सेफ्टी मिलता है। मोदी जी आप क्यों नहीं इनकी बातों को ध्यान दे रहे हैं, आप अपनी मन की बात कर लिए, आपने तो अपनी किसी को न बताया और नोटबंदी करा ली, किसी को न बताकर GST ले लिया। अभी तो कोरोना काल की थोड़ी स्थिति दयनीय चल रही है मान रहा हूं, लेकिन कहने का मतलब कि इन बच्ची को पर ध्यान दी जाए, आप अपने मन की बात मत कीजिए, क्योंकि बहुत आपने मन की बात कर ली है, अब हमें रोजगार की बात दीजिए और करिए। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूं दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, नॉलेजेबल वीडियो है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, क्योंकि वो लोग भी इस ट्रेनिंग टॉपिक के बारे में जाने। ठीक है, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, आप लोग बहुत मीडिया वाले चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, ठीक है ना, तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए दोस्तों बेल घंटा को प्रेस कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन कर लीजिएगा, क्योंकि जब जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। ठीक है, और यदि आपके मन में किसी प्रकार का डाउट, क्वेश्चन है या कोई सुझाव है दोस्तों, या किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, तो मेरा कमेंट बॉक्स एनी टाइम खाली रहता है, आप वहां पे कमेंट कीजिए, मैं उसका जल्द से जल्द रिप्लाई अवश्य दूंगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।